अलीगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए की जा रही छापेमारी कार्रवाई के चलते जहां परीक्षार्थी परीक्षा छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं नकल माफिया भी हावी हैं। अतरौली तहसील के एसडीएम और सीओ ने सटीक सूचना मिलने पर तेबूत के बोहरे किशन लाल शर्मा इंटर कॉलेज के प्रबंधक के आवास पर छापा मार दिया। यहां इंटर की रसायन विज्ञान की परीक्षा की बाहरी लोगों द्वारा उत्तर पुस्तकाएं लिखी जा रही थी, तभी पुलिस ने यहां से 5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। कई दिनों से अतरौली के एसडीएम शिव कुमार और सीओ सुरेश कुमार मलिक को स्कूल प्रबंधक के आवास पर बोर्ड परीक्षा की कापी लिखे जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस सटीक सूचना पर गुरुवार शाम की पारी में एसडीएम व सीओ ने पुलिस को लेकर बाइकों द्वारा बोहरे किशनलाल शर्मा इंटर कॉलेज तेबूत के मैनेजर शिव कुमार शर्मा के आवास पर छापा मार दिया। गुरुवार को इंटर की रसायन विज्ञान की परीक्षा थी और मैनेजर के घर पर भारी करीब 61 लोग कापियां लिख रहे थे। इनमें अधेड़ लोग भी शामिल थे। छापे को देखकर इन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने राइफल दिखाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्कूल मैनेजर मौके से भाग गया। वहीं एक नामचीन नकल माफिया राम कुमार शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का बड़ा भाई जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में तैनात है, जो बोर्ड परीक्षा का ही कार्य देख रहा है। मौके पर आरोपियों में शामिल मिली 3 लड़कियों को बांध भरवा कर छोड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन गिरफ्तार लोगों को गाड़ी में भरकर थाना अतरौली लाया जा रहा है। इन सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस स्कूल के खिलाफ सामूहिक नकल को लेकर वर्ष 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और सेंटर को दीवार घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार मैनेजर ने साठ गांठ करके स्कूल को पुनः सेंटर घोषित कर लिया गया। वहाँ जहाँ जहाँ नकल की शिकायतें हैं, हर दिन लगभग वहाँ जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले लड़के हैं वो पकड़े जाते रहे हैं। छात्रों की संख्या वहाँ इसीलिए लगातार कम भी हो रही थी। बहुत दबाव बनाया प्रशासन ने, पुलिस ने, लेकिन फिर भी ये सूचना मिल रही थी कि ये इनमास कहीं पर स्कूल के अलावा, स्कूल में जो उपस्थिति है वो प्रॉपर है, इन्विजिलेटर हम या एसडीएम या सीओ या डीएम साहब जब भी जाते हैं उपस्थिति प्रॉपर मिलती है। ये पता लगता है कि उनके स्थान पर कॉपियाँ लिखने वाले कहीं दूसरी जगह पर बड़ी तादाद में बैठ के कॉपियाँ लिख रहे हैं, और ये जो कोई एक व्यक्ति है जो इसको संचालित कर रहा है। आज इस सूचना पर हमारे एसडीएम अतरौली और सीओ अतरौली सुरेश कुमार, इन लोगों ने इनको सही सूचना मिल गई थी एक मकान की घेराबंदी की। उस मकान में 61 लोग आज की पाली के प्रार्थना पत्र प्रश्न पत्र को हल करते हुए मिले। इनमें जो कॉपियां हैं वो मिली जो इनकी लिखी हुई थी, जिनमें उसके आंसर लिखे हुए थे। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही साथ जो इनका जो हेड है, इनका जो वहाँ का सरगना है, जो माफिया है, जो कई स्कूलों में इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड नकल कराने का आरोप जिस पे है, राम कुमार, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें जो बच्चियाँ थीं उनके उनसे बॉन्ड भरवा के और 41 के नोटिस पे उनसे उनके घर वालों से सिग्नेचर करा के उन्हें जाने दिया गया है। बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, ये दूसरे के स्थान पे परीक्षा दे रहे थे। कुछ इसमें पैसे पर आए थे, कुछ अपने भाई की कॉपी लिखने आए थे, कुछ अपने भतीजे की कॉपी लिखने आए थे। एक एक व्यक्ति का वीडियो, उसके बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। हमारे SPRA वहीं मौजूद हैं। किस तरह से, कितना पैसा दे के उन्हें वहाँ इकट्ठा किया गया, कॉपियाँ कैसे उनको मिलती हैं, परीक्षा समाप्त होने के कितनी देर पहले उनसे ये कॉपियाँ कलेक्ट की जाती हैं, उन कॉपियों को कैसे ओरिजिनल कॉपियों के स्थान पर चेंज किया जाता है, ये सब पूरी प्रक्रिया का पता वो कर रहे हैं। अपराध पंजीकृत करके इन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक रैकेट की तरह, जिसको बहुत दिन से कोशिश की जा रही थी कि छात्रों की संख्या पूरी है, लोग लिखने वाले पूरे हैं, लेकिन फिर भी नकल की सूचना मिल रही थी, तो इस पूरे रैकेट का आज ये सब DIS ऑफिस में जो परीक्षा केंद्रों के का जो सृजन करते हैं, उसको जो बनाते हैं, एक लखनलाल शर्मा जी के बारे में बताया गया है, उनका भाई राम कुमार शर्मा वहाँ मौके पर मिला है, और बातचीत से प्रथम दृष्टया जो उससे बातचीत हुई है उससे ये पता लगा है कि लड़कों ने या लड़कों के अभिभावकों ने पास होने के लिए या दूसरी जगह कॉपी लिखाने के लिए इसी व्यक्ति से संपर्क किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही व्यक्ति उनका रिंग लीडर है और अलग अलग स्थानों पर
ये इस तरह के सेंटर्स ऑर्गेनाइज करके उनमें अभी इन 60 लोगों से जो पूछताछ हुई है उन लोगों ने इसी रामकुमार नाम के व्यक्ति के बारे में बताया है जिसका सगा भाई DIS ऑफिस में कार्य करता है और जिसके बारे में ये बताया गया है ये उसी डेस्क पे काम करता है जहां से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होता है। अलीगढ़ के थाना तरौली क्षेत्र से इस खबर की कवरेज के लिए अमित सक्सेना के साथ प्रकाश सिंह, AB Live News अलीगढ़।